Do you know what's unique about girls? We can bleed straight for a week without dying. Hi guys, this is Tanisha. Welcome back to my channel Tanishali. If you're new to my channel, don't forget to check out the playlist Need Guidance, in which you'll get 40 plus videos related to your queries that you suffer throughout your need preparation. So guys, कितनी लड़कियां सोचती हैं इट्स अ कर्स, बॉयज को ही क्यों नहीं होता. मैं खुद रोती थी, पता है जब मेरा फर्स्ट टाइम आया था, आई वाज लाइक आई एम गोना डाई, व्हाट्स दिस. आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई यूज्ड टू फील लाइक ये बॉयज को क्यों नहीं होता, व्हाई वी ऑल हैव टू सफर. बट ठीक है यार, भगवान जी ने कुछ हम लोग को दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा. एंड दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, लाइक बॉयज कैन ऑल्सो सी, क्योंकि उनके घर पर बहनें तो होती ही हैं. सो गाइस, ये वीडियो में मैं एक एक करके बताऊंगी. लाइक फर्स्टली आई डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वेटनेस, जिसको वेटनेस से पैड के वेटनेस से इरिटेशन होती है. सेकेंड पार्ट में आई टेल यू घर की किस चीज़ों से तुम्हें पेन में रिलीफ हो सकता है. और थर्ड लास्ट पार्ट में मैं बताऊंगी तुम्हें स्टडीज को कैसे कोप अप करना है पीरियड्स में. ओके, सो द फर्स्ट जो होता है ना, काफ़ी लड़कियों को उनको पैड के वेटनेस से इरिटेशन होता है. लाइक आई माई सेल्फ यूज टू फील लाइक सो इरिटेटेड एंड लाइक दैट वेटनेस इज लाइक, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. अगर गर्ल्स वॉचिंग दिस कैन अंडरस्टैंड वॉट इट फील्स लाइक वट इट्स वेट एंड यू डो फील लाइक टू सीट एनी वेयर एंड यू फील लाइक यू आर स्टेन ना हो जाए कहीं भी. सो टू गेट रिड ऑफ दैट वेटनेस यू कैन यूज स्टैम्प एंड आई इंसर्ट द पिक ओवर हियर. Girls, I really prefer you to use it during your examination और जब आप कहीं बाहर जाते हो या पढ़ाई में अगर बार बार उठ के चेंज करना पड़ता है, बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू यूज़. मतलब इसको वजाइना में इंसर्ट करना होता है, पहले डिफ़िकल्टी होगी. एंड प्रोसीजर भी गूगल पे जाओगे तो फोटोज पे पूरा प्रोसीजर भी दिया होता है, ठीक है. एंड तुम्हें डरना नहीं है कि वो अंदर ही फंस जाएगा, बहुत बड़ा सा स्ट्रिंग होता है, जब वो फिल हो जाएगा ना तो थोड़ी सी इचिंग होगी, हो तुम्हें ऐसा थोड़ा सा हैवी हैवी टाइप लगेगा. बस उस स्ट्रिंग को थोड़ा सा पुल करना, वो बाहर आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेन होगा. पर पता है तुम एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ पाओगी एंड यू वोंट फील लाइक तुमने कुछ इंसर्ट भी किया है. एंड पता है ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है व्हेन यू गो एंड गिव ऑफलाइन एग्जामिनेशन, या घर पे भी जिसको प्रॉब्लम होती है इंसर्ट कर सकते हैं, जिसको एक्चुअली वेटनेस से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है वो, ठीक है. So I'll provide the link in the description box. At least one you should go and check it out. What's that? But that's too good. अब second मैं बताती हूँ कि तुम pain को relieve कैसे कर सकते हो, like घर के ही सामान से. सबसे पहले तो तुम periods में आदत डालो, अदरक, ज़्यादा अदरक वाली सुबह उठते ही चाय पी लिया करो, और शाम को इलायची वाली, लाइक बहुत अच्छा होता है. लाइक अदरक तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल तुम्हारे क्रैम्प्स रिलीव करने में, बहुत ज़्यादा. और जो चाय नहीं पीता है वो अदरक का इनटेक और कैसे कर सकता है, लाइक तुम अदरक होते ना, कितने लोग अदरक पानी में मिला के और हनी के साथ पीते हो, तो वो भी पी सकते हो. लाइक चाय इज़ नॉट मैंडेटरी, पर एक तरीका है कि हाँ अदरक चाय में ज़्यादा पड़ती है. और तुम सिनेमन, दालचीनी, दालचीनी को अब तुम देख लो तुम कैसे ले सकते हो, मैं बता दे रही हूँ. घर की चीज़ें हैं जिससे तुम्हें बहुत पेन रिलीफ होगा. और फेनल सीड, सबसे ज़्यादा अच्छा फेनल सीड्स, मतलब सौंफ होता है ना, सौंफ, और हम लोग वो ताल मिश्री खाते हैं ना डिनर के बाद जनरली, हम तो कभी, मैं तो कभी भी खा लेती हूँ, लाइक दैट्स वेरी बेनिफिशियल. सो अमंग ऑल दिस थ्री, फेनल सीड्स इज वेरी बेनिफिशियल इन रिलीफिंग क्रैम्प. पता है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स इट इनहिबिट्स द यूट्रिन कंट्रैक्शन दैट इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्रैम्प्स. मतलब भाई साहब मज़ा आ जाएगा, लाइक तुम्हें रिलीफ मिलेगा थोड़ा सा. और सबसे अच्छा जो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, वॉट हॉट बैग, उसका भी आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वंस यू शुड गो एंड चेक इट आउट. ज़रूरी नहीं है अमेजोन से लेना, मतलब तुम्हारे, तुम जहाँ पर रहते हो उधर भी मिल सकता है. लाइक तुम कहीं से भी लो, एटलीस्ट एक बार ही देख लेना. ओके, एंड यस, उससे बहुत अच्छा, लाइक आप उसको टमी पे रखोगे, जो बहुत सिवियर वाला होता है ना, कितने कितने लोग को, लाइक जो PCOD से सफ़र कर चुका है उसको तो बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स होता है. और मेडिसिन ज़्यादातर जो मेफ्टल आता है ना उसको अवॉइड किया करो, लाइक नेचुरली अगर कोई चीज़ से ठीक हो जाए तो वही कर लिया करो. सो ये मैंने बता दिया, पहले वेटनेस वाली भी प्रॉब्लम ख़त्म कर दी, सेकेंड जो पेन होता है वो भी
थर्ड पढ़ाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि तुम्हें पीरियड्स आते हैं, सारे गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, डॉक्टर्स क्या वुमेन्स डॉक्टर्स नहीं होती है, मतलब वो उस फेज को पास करके ही तो आगे गई होंगी। कितने लोग सोचते हैं यार मुझे ज़्यादा पेन होता है, लेकिन मेरे को लगता था कि मैं ही नहीं पढ़ पाती हूँ क्या, मुझे ही ज़्यादा पेन होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग को होता है बिल्कुल ही पेन नहीं होता है, बट मुझे PCOD हो चुका था तो मुझे तो बहुत ही सेवियर वाला, और मैं बहुत मेडिसिन भी लेती थी, बट लास्ट में आते आते तक मैंने मेडिसिन लेना छोड़ दिया था। तो मैं ये सब वो हॉट वाटर बैग तो मैं हमेशा अपने पास रखती थी ड्यूरिंग पीरियड्स, लाइक मुझे वो तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। सो गाइज, ठीक है, तुम्हें पता है हैबिट होना चाहिए कि तुम थोड़ा बहुत, तुम्हें बैकलॉग हो जाए तो तुम फ्यूचर में कवर कर पाओ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम रोज का रोज काम कर रहे हो तो पीरियड्स में भी करो, ठीक है। लाइक पीरियड्स में अपनी बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट दिया करो, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा नींद। अगर तुमने मेरे पीरियड क्रैम्प्स वाले स्टडी ब्लॉग दिया, मैं बहुत सोती थी यार, पेन होता था, दवा ले नहीं सकती थी, बचा क्या, सोना, ठीक है यार। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने फिर अपना बैकलॉग कवर नहीं किया। देखो 3 दिन तक सेवियर होता है, फिर उसके बाद ब्लीडिंग भी कम हो जाती है, तो 3 दिन तक पढ़ाई तो करती थी ना यार, थोड़ा मोड़ा रिवीजन नहीं कर पाती थी या कुछ स्किप हो जाता था तो आगे कंप्लीट कर लेती थी। हमेशा ये मत सोचना कि अगर बैकलॉग हो गया तो सिलेक्शन नहीं होगा। यार बैकलॉग कवर भी तो करते हैं ना, बहुत बच्चे करते हैं और बहुत बैकलॉग कवर करते हैं, और तुम्हें तो हर मंथ का 3 दिन का बैकलॉग ही तो झेलना है, वो भी पूरा दिन। ऐसा नहीं कि पूरा दिन सो ही रहे हो, ना कंसिस्टेंसी ब्रेक ही नहीं करना पढ़ने में, पढ़ना है थोड़ा मोड़ा तो हो, 1-2 घंटे ज़्यादा सो लेने से थोड़ा मोड़ा बैकलॉग होता है ना, ज़्यादा नहीं होता। और हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना, ऐसा नहीं सोचना हाय पीरियड्स आ गया मैं तो बहुत बच्चों से पीछे हो गई। अरे दिस इज़ अ ब्लेसिंग, इसको एक ब्लेसिंग की तरह लेना है। तुम अगर उस पर ना उसको बोझ समझोगे कि यार पीरियड्स आने वाले मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, अगर तुमने ये थॉट बना लिया तुम सच में पढ़ने नहीं पाओगे। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे दिन क्रैम्प्स हो रहा है और बहुत सेवियर वाला और पूरा दिन नहीं पढ़ पा रही। अच्छा कितने लोग को होता भी है कि पूरा दिन ही नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, एक ही दिन बैकलॉग होगा ना। लेकिन एक बात याद रखना, 1-2 घंटे पढ़ना पर कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतना चाहिए जब तुम पूरा दिन कुछ भी नहीं पढ़े हो, बिल्कुल ही ऐसा तो बिल्कुल ही मत करना, फिर तुम्हारा पढ़ने का आदत छूट सकता है। लेकिन अगर तुम बेड पे भी लेटे हुए हो ना, कोई मोबाइल, अरे ऐप खोल के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो। मैं बताऊंगी, एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप मिला है मुझे, लाइक बायो का 1-to-1 line NCERT का दिया हुआ है एंड इट्स लाइक बेस्ट ऐप। पता है मैं सोच रही थी कि तुम लोग कितने लकी हो, अगर ये ऐप मुझे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पता लग जाता तो मेरा कितना टाइम सेव हो जाता। क्योंकि पता है मैं ये MTG फिंगरप्रिंट बायोलॉजी एंड फिंगरप्रिंट ये सब कुछ भी नहीं सॉल्व करती हूँ, मैं खुद से ही बायो से NCERT से खुद से ही क्वेश्चन बनाती थी, हाथ से ढक ढक के बच्चे सॉल्व नहीं करते वैसे करती थी। बट दिस ऐप इज़ लाइक ग्रेट, मैं बताऊँगी दूसरे वीडियो में। तो लेटे लेटे तुम ऐप में बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगा लिया करो या बायो पढ़ के, वही है ना, पढ़ना है तुमको रोज़, ऐसा नहीं करना कि पीरियड्स आ गए तो पढ़ाई छोड़ देना है। तुम सर का लेक्चर ही देख लो, ठीक है नोट्स नहीं बनाना, एटलीस्ट लेक्चर तो देख सकते हो ना। लाइक ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि बेड पे पढ़ जाओ, जो पढ़ गया वो भी कुछ ना कुछ करे, लाइक पढ़ाई 1 दिन भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। पता है लाइक मेरा जब बहुत ही ज़्यादा सेवियर होता था मैं बेड पे लेट के मतलब लेक्चर्स देख लेती थी और मतलब ऐसे जैसे उल्टा लेटते हैं ना, लाइक लेक्चर देख लेती थी और एक कॉपी लेती थी, उसमें रफ कॉपी पे सॉल्व करती रहती थी। 3 दिन बाद मेरा लाइक पेन वेन सब खत्म हो जाता था, मैं उठती थी और PDF नोट्स खोलती थी, उसमें से नोट्स बना लेती थी, बात खत्म। एटलीस्ट वो दिन वेस्ट तो नहीं हुआ ना। सो तुम लोग को इतना ही बताना था, तुम लोग पता नहीं इतने परेशान थे दी पीरियड्स में कैसे बढ़े। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, और जो मुझे बताना चाहिए था ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके चेकआउट ज़रूर कर देना जो मैंने 2 प्रोडक्ट्स बताए हैं, और तुम्हारे एरिया में भी मिल सकता है केमिस्ट के शॉप पे, तुम उधर से भी ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।